महिला तस्करी एक सामाजिक अभिशाप है और ये अभिशाप केवल हमारे देश में ही सीमावद्ध नहीं है बल्कि यह अंतर्जातिक है। गरीबी से छुटकारा पाने के लिए बहुत सी औरतें आंखों में सुहाने दिन के सपने लिए घर छोड़ती हैं। वो घर छोड़ती हैं नौकरी की तलाश में, काम के लिए, लेकिन उन्हें पता भी नहीं कि असल में वो तस्करों का शिकार हो रही हैं। देश के अंदर या देश के बाहर, और उनका ठिकाना हो जाता है देश के कोने कोने में फैले हुए वैश्यालयों में, और किसी किसी के हाथों में पड़ती है पुलिस की हथकड़ी। बिना कोई अपराध किए वो बंदी की तरह रहती हैं जेल के अंधकार में। वो कानून से इंसाफ पाने के लिए चुपचाप इंतज़ार करती रहती हैं। हमारा आज का नाटक इन औरतों की कहानी को लेकर है। चलिए शुरू करते हैं आज का नाटक, राबिया या रुखसाना। नमस्ते, हम एक कैद खाने में है। आजकल लोग इसे संशोधनागार भी कहते हैं। आम जनता के लिए ये कैद खाना ही है। देखो ये जो लड़कियां बैठी है सर झुका के, ये अपराधी है। अपराध की सजा भुगतने के लिए यहाँ है। ये देखिए, बाएं ओर जो बैठी है वो राबिया है, और दाहिने ओर जो बैठी है वो मालती। और हाँ, वो देखो, एक और नए अपराधी को जेल में लाया जा रहा है, वो मंजीमा है। चलिए अब इनकी कहानी सुनते हैं। राबिया या रुखसाना, कुछ ठीक याद नहीं, बेचैनी सोच सिर्फ कभी आती कभी जाती। पीछे कहाँ छोड़ आई बीते हुए दिन, नाम है वजूद बिन, गांव छोड़ पीछे कहाँ आई थी अकेले इस पार। राबिया या रुखसाना, कुछ ठीक याद नहीं, बेचैन। ये कौन सा गाना है? इस गाने में मेरा और मेरी छोटी बहन का दोनों का ही नाम है। ऐसा क्या? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राबिया और मेरी छोटी बहन, छोटी बहन का नाम रुखसाना। वाह, ये तो बड़े मज़े की बात है। ये एक बहुत पुराना गाना है, 1971 में जब दलों में बांग्लादेश से लोग इस देश आ रहे थे, ये उस वक्त का गाना है। हाँ मालूम है, सुनी है वो बातें। अब्बा ने कहा था मुझे, हमारे गांव से भी बहुत सारे लोग उस वक्त आए थे इंडिया। तुम यहाँ की नहीं हो? नाना बहन, मेरा देश बांग्लादेश। तो फिर तुम यहाँ कैसे आई? बहन, लड़की होकर जन्मी हूँ, कितना कुछ तो सहना पड़ता है। ये देखिए, ये बहन,
ये बहन तो इस देश की ही है, फिर भी मेरी तरह जेल ही में सड़ रही है। क्या नाम है तुम्हारा? मालती। घर कहाँ है? मुर्शिदाबाद के जियागंज गांव में। अच्छा, तो फिर तुम लोग यहाँ क्यों? बहन, हम लोग यहाँ आए हैं गरीबी के मारे, लेकिन तुमको देखकर तो तुम तो हमारी तरह नहीं लगती, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं राजनीति करती हूँ। हम लोगों की राजनीति देश को नापसंद है। कानून के नजर में हम लोग अपराधी दोषी है, उस अपराध की सजा के लिए यहाँ है। लेकिन तुम्हारा अपराध क्या है? आपत्ति ना हो तो बताओगी? बहन, तुमको कहने में क्या आपत्ति होगी? औरत होकर जन्म लेना और भूख का दर्द, यही एक अपराध है बहन, बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा अपराध। तो फिर सुनो, राबिया हो या रुखसाना, कहानी एक ही है जाना। कहानी की घटना या घटना की कहानी, सुनो राबिया की जबानी। मेरा जिला बोरीशाल। बोरीशाल में ही छोटे से एक गांव में मेरा घर है। कमी का संसार था, 10 साल की थी, बाऊजी खैरो रोग से चल बसे। घर में छोटे छोटे 4 भाई बहन थे। माँ शाक बेचकर जो कमाती थी उसी से गुजारा होता था किसी तरह। कितने दिन ऐसे गए बहन, जब 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता था। ऐसा था मेरा छोटा सा भाई दूध ना मिलने के कारण रोते रोते सो जाता था कितने दिन। उसी समय हमारे गांव की एक पड़ोसी रशीदा बीबी आकर कहने लगी कि उसके मौसैया भाई का ढाका में कारोबार है। ढाका गारमेंट फैक्ट्री में उसकी बहुत जान पहचान है। अगर मैं और मेरी माँ राजी हो तो वो हमें काम दिलाने का बंदोबस्त करेगी। बहन, उस कमी के संसार में रहना मतलब और एक पेट भरना। और रशीदा बीबी ने कहा भी कि महीने के अंत में कुछ पैसे भी जमेंगे। वो पैसे अगर मैं घर भेज सकी बहन, तो छोटे छोटे भाई बहनों के मुंह में 2 वक्त का खाना तो दे पाऊंगी। मैं राजी हो गई। फिर एक दिन घर से निकल गई, पहुंची बोरीशाल में। वहां मैं मिली मेरे जैसे और कुछ लड़कियों से। सोचा हम सब मिलके काम पे जाएंगे। बस बदल बदल के, पैदल चल चल के हम एक जगह पहुंचे। ढाका? ना बहन, वो ढाका नहीं, वो जगह थी बोनगा।
पता ही नहीं चला बहन, जाने कब सब मिलके इंडिया पहुंचे। पहले भी सुना था बहन कि हमारे गांव की कुछ लड़कियों की इंडिया में तस्करी की जाती है। मैं अंदर ही अंदर समझ गई बहन कि मेरी हालत भी उन औरतों की तरह हो गई है। लेकिन बहन, जैसे ही समझ में आया, तय कर लिया कि भाग जाऊंगी अकेले। हाँ बहन, अकेले ही, किसी को पहचानती नहीं, कुछ जानती नहीं, फिर भी मौका मिलते ही भाग गई उस दल से, चढ़ गई एक ट्रेन में और जाके उतरी एक बहुत बड़े स्टेशन में। तब तक शाम हो चुकी थी, किसी तरह स्टेशन के बाहर पहुंची। अकेले अकेले इधर उधर घूम रही थी बहन, तभी पुलिस ने पकड़ लिया। उसके बाद सुना बहन, मुझे मुझे सजा हुई है, बांग्लादेश से इस देश में आने के जुर्म में, इसीलिए ही सजा हुई है। वही सजा भुगत रही हूँ जेल में बहन, वही सजा भुगत रही हूँ इस जेल में बहन। ये तो हैरानी की बात है, तस्कर तो तुम्हें उठा कर ले जा रहे थे, तुमने तो कोई अपराध नहीं किया। कौन जाने बहन, क्या करूं मैं, कौन सुनेगा मेरी बात। मुकदमा चल गया, सजा भी हो गई, लेकिन एक बार भी अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला, अपनी बात कहने का एक भी मौका नहीं मिला बहन। राबिया अकेली नहीं है, देश के ऐसे बहुत सारे संशोधनागार में ऐसी बहुत सारी राबिया मौजूद है। अपने देश से बहुत दूर असहाय बिना किसी के साथ इंतजार करती है कैद खाने में। मगर कानून कुछ और ही कहता है, तस्करी की शिकार महिलाएं अपराधी नहीं है। वो खुद अपराध के शिकार है और उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हाय रे दुनिया, यही औरतें इस देश में अवैधिक प्रवेश के जुर्म में सजा पाती है बार बार, जबकि उनको तो पता ही नहीं कि वो तस्करों के हाथ बिक गई है। देश का कानून साफ साफ कहता है। तस्करी के रास्ते में औरत गई पकड़ी, तो उसके हाथ में न कभी डालो हथकड़ी, डालो हथकड़ी ना ना डालो हथकड़ी। औरत की तस्करी सजा लायक कसूर, औरत जो हुई शिकार हमेशा बेकसूर, हमेशा बेकसूर, हाँ हमेशा बेकसूर। दूसरे देश से अगर तस्करी होकर आए, याद रखो कानून सदा है उसके सहाय, है उसके सहाय, हाँ हाँ है उसके सहाय।
सुरक्षित घर भेजना राष्ट्र का है काम, कारागार ना हो औरत का परिणाम, औरत का परिणाम, औरत का परिणाम। फिर भी ऐसा कोई घर हो कारागार में बंदी, लीगल एड की मदद लो अभी जल्दी जल्दी, लीगल एड, लीगल एड, लीगल एड, लीगल एड। कानून की इस लड़ाई में नहीं लगेंगे पैसे, लीगल एड का हाथ थामो दोस्त हमारे जैसे, दोस्त हमारे जैसे, हाँ हाँ दोस्त हमारे जैसे। लीगल एड का हाथ थामो दोस्त हमारे जैसे, हाँ दोस्त हमारे जैसे। और मालती, तुम भी क्या बिना कोई अपराध किए, बिना कोई दोष जेल के इस अंधेरे में ऐसे ही सजा भुगत रही हो? मैंने अपराध नहीं किया ये भी नहीं बोल सकती। लड़की होकर गरीब घर में जन्म लेना ही एक अपराध है, उसी की सजा भुगत रही हूँ। नहीं नहीं, हमारे समाज में औरत होकर जन्म लेना कष्टदायक है, मगर अपराध नहीं। क्यों ऐसा बोल रही हो तुम? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मेरी बात क्या कहूँ, गरीब का घर था, पिताजी शहर में वैन चलाते थे, माँ और तीन छोटे भाई बहनों का था हमारा संसार। ज्यादा पैसे वाले घर में छोटी उम्र में ही मेरी शादी करवा दी गई। वो लोग बहुत सारा दहेज मांग रहे थे, पिताजी उसी में राजी हो गए। उनका मानना था कि बड़े घर में शादी होने से मैं खुश रहूंगी, लेकिन शादी से पहले कुछ ही पैसों का इंतजाम हुआ। क्योंकि दहेज का पूरा पैसा नहीं था, ससुराल के लोग बिना शादी किए लौट जाना चाहते थे। बाऊजी ने बहुत मुश्किल से शादी के लिए राजी करवाया, वचन दिया कि बाकी पैसा एक साल के अंदर धीरे धीरे दे देंगे। शादी हो गई, ससुराल भी चली गई। हर रोज ससुराल वाले ताने सुनाते थे और मारपीट भी करते थे। मारते थे? तुमने कुछ नहीं कहा? मैं क्या बोल सकती थी? शादी के 3 महीने के अंदर पिताजी गाड़ी के नीचे आकर मारे गए। हमारे ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा। उधर माँ 3 बच्चों को लेकर परेशान थी। ऊपर से ससुराल वाले समझ गए थे कि उन्हें दहेज के पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। एक दिन मुझे उस घर से निकाल दिया गया। घर से निकाल दिया? ये लोग इंसान हैं? फिर सुना उस लड़के ने दूसरी शादी कर ली है। मैं घर वापस आ गई, आकर देखा माँ इधर उधर छोटा मोटा काम करके संसार चला रही थी। 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। उसके ऊपर मेरे आने से और एक खाने वाला बढ़ गया। कभी कभी लगता था गले में फांसी डालकर मर जाओ, इतना दर्द कैसे सहती। उस समय मोहल्ले का एक आदमी आके बोला कि अगर हम राजी हो तो वो बंबई में नौकरी दिला सकता है, खाना रहना वहीं पर, और महीने के अंत में कुछ पैसे भी मिलेंगे। एक दिन उस आदमी के साथ घर छोड़ दिया। पहुंची सियालदा स्टेशन के सामने आकर देखा एक आदमी और कुछ लड़कियां खड़ी थी। लग रहा था वे भी मेरी तरह बंबई जा रही थी। कुछ ही देर बाद और एक आदमी आया। ये नए आदमी ने उन दोनों के हाथ में कुछ पैसे दिए और खुसफुस करके उनसे कुछ कहा। ओह, खरीदना बेचना। उसके बाद स्टेशन से निकलते ही मुझे एक हंगामा सुनाई दिया। मुझे और उन दो आदमियों को पुलिस ने पकड़ा। वो नया आदमी और बाकी लड़कियां जाने कहां चले गए। बस
फिर फैसला हो गया कि मैं महिलाओं की दलाली करती हूँ, उसी की सजा भुगत रही हूँ इस जेल में। क्या कह रही हो तुम? तुम खुद ही तो तस्करों का शिकार थी, तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं था, तुमने कोई अपराध नहीं किया, तो फिर क्यों तुम लोग इस अंधेरे में कैद रहोगे? किसको बोलूं ये सब बातें, कौन सुनेगा मेरी बात? उससे पहले ही पहुंच गई इस जेल में। ये मालती अकेली नहीं है, ढूंढ के देखने से देश के कोने कोने में ऐसी हजार हजार मालती मिलेंगी जिनकी खुद तस्करी हो रही है। वे दलाल होने की सजा भुगत रही है जेलों में। वे अपराधी नहीं है, वे गरीब घर की लड़कियां है, यही उनका अपराध। और ये लड़कियां जानती भी नहीं है कि वे बिना फीस या खर्च के कानूनी सहायता पा सकती है, अपना मुकदमा चला सकती है। बेकसूर औरतें यहाँ जेल में चली आती है बिना अपराध के, यहाँ उन्हें अन्याय रूप से सजा दी जाती है, इस बात का कोई संशोधन नहीं होता। यही वास्तव है, यही उनकी नियति। मैं खुद राष्ट्र के खिलाफ गई अपनी मर्जी से, आईन तोड़ना चाहा अपनी मर्जी से, लेकिन तुम लोगों ने तो कोई अपराध नहीं किया, आईन नहीं तोड़ा, फिर क्यों तुम लोग इस काल कोठरी में ऐसे ही बंद रहोगे? नहीं नहीं, इसका हल करना ही होगा। कल ही तुम लोग लीगल एड के लोगों के साथ बात करोगे, सलाह लोगे, उसके बाद शायद इंसाफ होगा, शायद तुम लोग फिर अपने परिवारों के पास लौट पाओगे, अपने प्रियजनों के पास, एक आजाद दुनिया में। ना ना, घर जाकर करूंगी क्या, सब तो मुझ पर थू करेंगे। ना ना, उससे तो ये कैद खाना ही ठीक है, यहाँ रहना ही बेहतर है। हाँ, हम घर वापस जाकर करेंगे क्या, मोहल्ले के लोग हमें बदनाम करेंगे और समाज से निकाल देंगे, उससे बेहतर है कि हम यही रहे। ना, नहीं नहीं, ऐसे सोचने से नहीं चलेगा। ये जिंदगी तो एक संग्राम है और संग्राम करके ही जीना होगा, लड़ाई करके जीना होगा। ये दुनिया तो तुम्हारी भी है, इस पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है। तुम लोग अपने अपने इलाकों में वापस जाकर ये लड़ाई जारी रखोगे। हाँ, सही सही है, हम करेंगे, हमें करना ही होगा। हाँ, हम करेंगे, हमें करना ही होगा। तस्करी के रास्ते में औरत गई पकड़ी, तो उसके हाथ में ना कभी डालो हथकड़ी। तस्करी के रास्ते में औरत गई पकड़ी, तो उसके हाथ में ना कभी डालो हथकड़ी। औरत की तस्करी सजा लायक कसूर, औरत जो हुई शिकार हमेशा बेकसूर, हमेशा बेकसूर। दूसरे देश से अगर तस्करी होके आए, याद रखो कानून सदा
है उसके सहाय। सुरक्षित घर भेजना राष्ट्र का काम, कारागार ना हो उस औरत का परिणाम। फिर भी ऐसा कोई घर हो कारागार में बंदी, लीगल एड की मदद लो अभी जल्दी जल्दी, लीगल एड की मदद लो अभी जल्दी जल्दी। कानून की इस लड़ाई में नहीं लगेंगे पैसे, लीगल एड का हाथ थामो दोस्त हमारे जैसे, लीगल एड का हाथ थामो दोस्त हमारे जैसे। हम नहीं है बिकाऊ, तस्करी हमारी बर्बादी, चाहिए सिर्फ हक और जीने की आजादी, और जीने की आजादी, और जीने की आजादी।